हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। करना लाउड है। स्पील प्लाट्स के पास यानी देखो रितिका खिलाओ ना। राज मूवी का सिंग सॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर और ये है मेरी प्यारी रितिका। एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बैठे हैं एसबान स्टेशन के पास, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं वाइल्ड पार्क पोइंग। कहाँ जा रहे हैं रितिका, बता दो तो सबको। आज हम लोग जा रहे हैं वाइल्ड पार्क। तो फ्रेंड्स, हम लोग वाइल्ड पार्क में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री फीस है 11.5 यूरो एडल्ट्स के लिए। 3 साल से कम के बच्चों की टिकट जो है वो फ्री है, यानी कि एंट्री फ्री है। और साथ में अगर आप 50 सेंट देते हैं तो आपको एक बैग मिलेगा, जिससे कि आप एनिमल्स को फीड कर सकते हैं। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है रितिका के एज का, तो हम लोगों ने 4 बैग्स लिए हैं। रितिका और रितिका के पापा ने तो एनिमल्स को फीड करना भी स्टार्ट कर दिया है। होपफुली आज हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। क्यूट राइट रितिका? ओ रितिका को पकड़ना है। इस वाले को खिलाओगे क्या? मम्मी ये मेरी बेटी के पास आ रहा है। क्या देख रही है रितिका? देखना वो उंगली डाल देगी। रितिका हाँ बेटा, आओ। हाँ क्या कर रही है रितिका? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रितिका रितिका Hier. छोड़ दो ना, छोड़ दो।
बात कर रही है। रितिका हिरण चराने के लिए एकदम तैयार है। ये कितनी मोटी तगड़ी नहीं है, इनको फीड करना अलाउड है, लिखा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? क्या है रितिका? ओयो बोलू, हाथ नहीं घुसाना, हाथ नहीं घुसाना। नहीं रितिका, उसका हाथ नहीं देना बेटा, काट लेगा ना, बस मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है बहुत सारा सिटिंग एरिया, तो आप यहाँ पे बैठ के लंच कर सकते हैं। और पीछे बहुत सारे झूले भी हैं बच्चों के लिए। ये सारे भालू सोए हुए हैं, चार भालू हैं। अब पता चला ना भालू और टेडी का क्या रिलेशन है। मैंने तो हमेशा काला भालू देखा था, यहाँ टेडी जैसा भालू है। इनके पास कितना फर है, इनको कैसे ठंडा लगेगा। पर ये लोग ना लेजी क्यों, उठ क्यों नहीं रहे, चल क्यों नहीं रहे। उठो भाई, हमने पैसे दिए हैं, कुछ कर्तव्य दिखाओ। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच गए हैं बर्ड्स के सेक्शन में, और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो हम लोग इन्हें देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक बर्ड्स का शो भी होता है, जिसमें कि वो वल्चर, आउल और ईगल को यूज़ करते हैं। ओपन में होता है ये शो, जस्ट बर्ड्स के ये जो सेक्शन है इसके पीछे ही है। हम लोगों ने कुछ देर देखा, जो शो है वो जर्मन में होता है, तो अगर आपको जर्मन अच्छे से समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय करेंगे। सबसे ज़्यादा तो बच्चे ही इस शो को एंजॉय करते हैं। और अभी हम लोग ये बर्ड्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बर्ड्स देख ली हैं, और अब हम लोग वापस से यहीं पे आ गए हैं स्पील प्लाट्स के पास, यानी कि प्ले एरिया के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया भी है लंच करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन में बहुत सारे मोर जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, और रितिका भी झूला झूल रही है। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये बच्चों के लिए। रितिका क्या कर रही है? रितिका हाथ नहीं दो बेटा, और खिला दो रितिका, आप हाथ लगाओ ना। रितिका क्या खिला रही है? खिला दो, खिला दो। That's so sweet. Thank God. कम से कम मेरी बेटी तो मेरी जैसी फट्टू नहीं है। रितिका ये बोलती है आओ। चलो अब हाँ आगे और भी जानवर है। Thank you.
रितिका खिलाएगी क्या? भाई ये खाने के लिए ना पूरी मुंडी बाहर कर रहे हैं। रितिका क्या हुआ, गुदू गुदू हो गया? प्यार कर दो तो रितिका। रितिका खिला दो बेटा। वाह ये हमको इस बूटा निकालेगा। ये राम जी जय श्री नीतिका नीचे से उठा उठा के खिला रही है। अरे इसको तो देखो कैसे ऊपर चढ़। और दो खिला दो बेटा, दो खिला दो। छोटी वाली को नहीं। देखो रितिका खिलाओ ना, उसने अपना गर्दन फंसा लिया तुम्हारे चक्कर में। माय गॉड देखना, तुम खाली पेपर में हाथ लगा के बैठी हो। खिला दो शोना। आप सुअर को खिलाना चाहोगे? सुकून से सो रहा है ना फॉक्स, पर स्मेल आ रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारे एनिमल्स दिखा पाऊँ इस वाइल्ड पार्क में, और कुछ रह गए होंगे एक दो तो उसके लिए सॉरी, आपको विज़िट करना होगा पार्क। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि रितिका ने बहुत एंजॉय किया। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मेन गेट की तरफ, क्योंकि एक ही एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है, सेम है। अच्छा, और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आसपास में बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो इन बोर्ड्स पे इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे और कौन कौन से इंसेक्ट्स है और पेड़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो लोग बॉटनी में इंटरेस्टेड हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा ये सब पढ़ के, तो काफ़ी अच्छी जगह है। पर पता है क्या मुझे यहाँ पे क्या याद आ रहा है, इतने लंबे लंबे ऐसे पेड़ देख के थोड़ी सी अगर रात हो जाए ना तो एकदम राज मूवी का सीन बन जाएगा, और मुझे तो राज मूवी का एक गाना याद आ रहा है। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। तो आप कहीं भी रोमांटिक फील कर सकते हैं, भले ही आप वाइल्ड पार्क में क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स हम लोग एकदम एग्जिट गेट के पास पहुंच गए हैं, और हमारा थोड़ा सा खाना बच गया है एनिमल्स को फीड करने वाला, तो हम लोग अभी यहीं पे सारे हिरनों को खिला देते हैं। और जो एंट्री गेट है ना वहीं पे वॉशरूम भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो जाने से पहले फ्रेश होके आराम से जाइए। Thank you.
चलो खत्म। ये रितिका का हाउस है क्या? रितिका हालो, रितिका हालो। सिट रितिका, सिट। गुड, ये इस घर के अंदर कौन से दो लोग छुपे हुए हैं? रितिका कौन है तुम्हारे पीछे? कौन है?